तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज फिर से गांव में बाघ का हमला। सुबह 4 बजे एक गाय को मार डाला, तो वो किसी की थी, तो वो रात को घर नहीं आई, तो उसको सुबह 4 बजे बाघ ने मार डाला। बहुत ही आवाज़ आ रही थी बाघ की घुर्राने की, तो उसकी तो मौत होगी। और मैं दिखाऊंगा अभी आपको आगे। और वो नीचे को मारा है। और हमारे भी 2 कुत्ते हैं, तो कुत्तों के लिए भी वो आ सकता है। हमारे यहाँ को भी हमारे नीचे से ही मारा है। और तो ये देखिए, 2 जने ये हैं, ये और बड़ा ये बैठा है। तो ये देखिए, इसको परेशान करेगा अभी ये। और कल परसों ही 2 महिलाओं को भी घायल किया है उधर वाले गांव में, बगल भोरा नाम है उसका। तो उन्हें अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया है। बहुत ही नाजुक स्थिति है उनकी। तो बाघ का आतंक पहाड़ों में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रह रहा है। तो अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर को रात को बाहर ना निकलें। छोटे छोटे बच्चे और ये 7 साल के बच्चे को भी ले गए हैं सुमेश्वर में। ताऊ जी के वहाँ खेलने गया था और रात को टीवी देखने लग गया। बहन तो घर चलेगी, तो उसने कहा मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। तो टीवी देख के घर को गया, तो उसी समय बाघ उठा के ले गया। तो पहाड़ों में तो बाघ का आतंक बढ़ते ही रह रहा है। लोग तो आप दिन में अभी बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं गाँव में। तो ये हमारी बिल्ली है, एक ये है, एक घर में है। तो इसको दबोचने के लिए बड़ी बिल्ली आ चुकी है। ये रही बड़ी बिल्ली, ये बैठी है, इसके अटैक में है। ये रही, ये देखो, ये भाग गई। यहाँ चढ़ गई है बिल्ली। आ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आ आ। बिल्लियों को भी बाघ की मौसी कहा जाता है, यही बाघ को चढ़ना सिखाते हैं ऊपर। आ आ, और बड़ी बिल्ली ये जा चुकी है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, बिल्लिया आ। और ये देखिए, बड़ी ढीठ बिल्ली है, नीचे को आने का नाम नहीं ले रही। पता भी हो गया तुझे कोई ढीठ मारने आ रहा है, और नीचे तब भी नहीं आ रही। दोस्तों, हमने बिल्ली पकड़ चुकी है और अब इसको ले चलते हैं घर, नहीं तो इसको बड़ी बिल्ली मारने आ रही है। तो ले चलते हैं घर। और ये देखिए, और मेरे पीछे पीछे आ गई है ये देखो, ये आ चुकी है। और आ गई, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। आप अभी भी आ चुका है, अभी आ चुका है। ये देखो, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, देखो छोटा पटाखा बड़ा धमाका। और देखिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं को आ रही है, वहाँ पर बैठगी बिल्ली। ये देखिए, ये बैठगी। आ बुलाऊंगा तो ले ले उसी ले आ आ। देखो आ चुकी है, ये आ चुकी है, ये चली गई है झाड़ी में, चुकी है बाहर। तो दोस्तों, जहाँ को मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे लगी हुई है बिल्ली, और जहाँ कहीं भी जाने नहीं देती। कुत्ता भी ऐसी है, कुत्ता तो छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। तो देखिए, बड़ी बिल्ली नीचे को चली गई है, वहाँ उस घर में चली गई है। और बिल्ली ये भाग चुकी है यहाँ को, ये पेड़ में, ये देखो पेड़ में आ चुकी है। और घर को जाने दी, घर को जाने दी। अब ये देखो, ये देखो, पकड़ने हाथ लिया, पकड़ने आएगी हाथ को, देखना। हाँ, ये देखो, ये देखो। और ये जो सामने पर्वत दिख रहा है, इसको दूनागिरी कहते हैं इसको। यहाँ से पूरा पर्वत दिखता है दूनागिरी, और जब बर्फ़ पड़ती है पूरा वाइट सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। और ये द्वाराहाट है, ये सलना गांव। हेलो गाइस, मुझे वीडियो एंड करनी पड़ेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बिल्ली को मारने, बिल्ली दौड़ के नीचे से आ चुकी है, मुझको इसको ले जाना पड़ेगा। तो गाइस, मुझे जल्दी से ले जाना पड़ेगा ले। और ये भाग चुकी है, और भाग चुकी है इसको।
पकड़ के लाना पड़ेगा और जल्दी से मुझे घर ले जाना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टाटा गुड बाय। और अब दो ही दो आ चुके हैं, एक ही रही। रानी खेत में गाय का पकड़ दिया इसने, मत करो। अरे गाय गाड़ी में थोड़ा कुछ होने वाला है, गाड़ी में शीशा पकड़ अपना बेटा। शीशा ऊपर नहीं हो रहा है, शीशा ऊपर ही है। भागा भागा वो, भाग गया वो, आएगा वो है। मत करो जी। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें क्या है, वो गाय को ऐसे मार तो दिया है उसने। फ्रेंडो को चल गया। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे रुको रुको,